नमस्कार, खबर जरा हटके में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति और आज बात करते हैं एक ऐसे आश्रम की जो पत्नी पीड़ित पुरुषों के लिए एक अनोखा आश्रम है और जहां होती है कौए की पूजा। जी हाँ, आपने आज तक बहुत से आश्रमों के बारे में देखा और सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे अनोखे आश्रम के बारे में बता रहे हैं जो पत्नी पीड़ितों ने अन्य पत्नी पीड़ितों के लिए खुला है। ये अनोखा आश्रम महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पत्नियों से पीड़ित कुछ पतियों ने खोला है। पत्नियों द्वारा प्रताड़ित हो चुके कई पति यहाँ रह रहे हैं, वही कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी ये आश्रम उनकी मदद करता है। इस आश्रम में छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से भी लोग कानूनी सलाह लेने आते हैं। औरंगाबाद से 12 किलोमीटर दूर शिरडी मुंबई हाईवे पर बसे इस आश्रम में सलाह लेने वालों की संख्या आए दिन बढ़ती जा रही है। अब तक 500 लोग सलाह ले चुके हैं। हाईवे से देखें तो सामान्य घर की तरह दिखने वाले इस आश्रम के भीतर जाते ही अलग अनुभव मिलता है। आश्रम में एंट्री करते ही पहले कमरे में कार्यालय बनाया गया है, जहां पत्नी पीड़ितों को कानूनी लड़ाई के बारे में सलाह दी जाती है। कार्यालय में थर्माकोल से बना बड़ा कौआ सबका ध्यान खींचता है। हर रोज सुबह शाम अगरबत्ती लगाकर उसकी पूजा की जाती है। आश्रम में रहने वालों ने बताया कि मादा कौआ अंडा देकर उड़ जाती है, लेकिन नर कौआ चूजों का पालन पोषण करता है। ऐसी ही कुछ स्थिति पत्नी पीड़ित पति की भी होती है। कौए की प्रतिमा का यहाँ इसलिए पूजन किया जाता है। हर शनिवार रविवार की सुबह 10 से शाम 6 बजे तक पत्नी पीड़ितों की काउंसलिंग भी की जाती है।